आज मसाला किचन में बन रहा है पकोड़ा प्लेटर। ऐसा कौन है जिसे पकोड़े पसंद नहीं? पकोड़े सभी को पसंद आते हैं, लेकिन हाँ, कई लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, लेकिन कभी कभी खाना तो बनता है। इसमें कोई सूजी, चावल का आटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी मत डालिए, तभी भी ये पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। क्या ऐसी ट्रिक्स हैं जो ठेले वाले पालक के पकौड़े की चाट बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी होता है? क्या होता है इसमें, क्या क्या डालना चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। और मैं घोल एक ही बना रही हूँ, एक ही घोल से सारे टाइप के आपके पकौड़े आपको बना के दिखा दूंगी। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो इस मिक्स वेज पकौड़े और क्रिस्पी से इसे बनाने के लिए इसके लिए चाहिए क्या, इसकी शुरुआत कैसे करें वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा कटोरा बेसन का, मतलब अगर ग्राम्स में देखेंगे तो करीब करीब 250 ग्राम के आसपास बेसन है। इस बेसन में मैं डाल रही हूँ हरा धनिया बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार एक छोटा चम्मच ले लीजिए, आधा चम्मच से भी बहुत कम लाल मिर्च पाउडर, उससे भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम हींग पाउडर, ये डालना बिल्कुल ना भूलें, इसी से ही पकौड़े क्रिस्पी और करारे बनते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स नहीं हो तो लाल मिर्च कुटी हुई डाल सकते हैं आप। और यहाँ मैंने लिया है आधे चम्मच से थोड़ा कम है अजवाइन, अजवाइन पकौड़े का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको हाथों से क्रश करके डालिए। अब जब हम गूंथेंगे ना इसका बैटर, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो पानी डालना है धीरे धीरे डालना है, और धीरे धीरे डालने की वजह से जिससे इसमें लम्स ना हो, और बेसन को हमें फुलाना है तो इसे अच्छे से फेंटते जाना है। तो यहाँ मैंने जो घोल बना के रख दिया है उसे अभी मैंने फूलने के लिए रखा है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बाद में अभी हम इसको चेक भी कर लेंगे। और मैं बना किस किस चीज़ के रही हूँ वो भी दिखा देती हूँ। आलू है, पालक है, मिर्ची है, प्याज है और कैरी है। टमाटर के कैसे बनाए जाते हैं एक्चुअल में, सूरत साइड बहुत ही स्पेशल पकौड़े बनते हैं, वो रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। कई टाइप के पकौड़े और भी बनते हैं, जैसे पनीर के, ब्रेड के और प्याज के, मिक्स वेज, वो सारे लगभग मैं दे चुकी हूँ, वो मैं नीचे सबकी लिंक डाल दूँगी। और अब हम इन प्याज को, जो छिली हुई सब्जियाँ हैं, धुली हुई सब्जियाँ, उन्हें हम काटना शुरू करते हैं। प्याज के रिंग्स भी बन सकते हैं, लेकिन आज मैंने प्याज को गोल गोल काटना है, पतले पतले और गोल गोल स्लाइस। इसके लिए आप कोशिश कीजिए प्याज थोड़ा बड़ी साइज का होगा तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आलू के पकौड़े बनाने हैं तो आलू भी आप अच्छे से छील लीजिए, वॉश कर लीजिए, और उसका अगर मीडियम साइज है तो इस तरीके से आप स्लाइस करेंगे ना तो थोड़े बड़े बड़े पकौड़े बनेंगे। अगर वैसे लंबाई में अगर आप गोल गोल काटेंगे तो छोटे छोटे पकौड़े बनेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप जरूर फॉलो करो। बहुत मोटे नहीं काटने आपको आलू के स्लाइस, बहुत पतले नहीं, स्लाइजर से नहीं कटने, पर इस तरीके से चाकू से आप काट सकते हो। जो पालक है उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए और डंठल हटा दीजिए। बस ये देखिए कि पालक का पत्ता अच्छा सा बड़ा होना चाहिए, पालक फ्रेश हो, ये बात का जरूर ध्यान रखें। अब लेंगे कैरी। कैरी मेरे घर में बहुत पसंद करते हैं, कैरी के पकौड़े, खासतौर से मेरी बेटी के बहुत पसंदीदा पकौड़े हैं ये। वो तो अभी बाहर रहती है US में, लेकिन मैं आज उसको याद कर रही हूँ कैरी के पकौड़े के लिए, उसे बेहद पसंद है। तो इस तरीके से कैरी को आप इस तरीके से कट कर लीजिए, लंबाई में कट कर लीजिए। और मिर्ची जो है ना, मिर्ची के चीरे लगाइए, डंठल मत हटाइए। और मिर्ची का अगर तीखापन ज़्यादा लग रहा है तो आप बीज हटा दीजिए, पर मेरे हिसाब से मिर्ची मतलब थोड़ा तीखापन तो बनता है। आप और कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, टिंडा भी ले सकते हैं, गोभी भी ले सकते हैं। तो मिक्स वेज पकौड़ा मतलब कोई भी सब्जी आपको जो पसंद है उसके पकौड़े बना सकते हो। सबसे पहले हम एक मसाला बना रहे हैं। यहाँ देखिए मैंने क्या डाला है प्लेट में। थोड़ी सी मैंने मिर्ची का पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी सादी वाली मिर्ची ले ली है, आधा चम्मच से भी कम आमचूर पाउडर लिया है, नमक बहुत कम, जैसे 3-4 पिंच बस, थोड़ा सा जीरा पाउडर, मतलब कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो एक चम्मच मसाला बन गया, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलाकर। अब ये पकौड़े अंदर से भी फीके न लगें, मसालेदार टेस्टी लगें, तो प्याज पर और आलू पर और कैरी पर छिड़क दीजिए मसाला। अब एक दूसरा मसाला बनाने जा रही हूँ, उसमें ले रही हूँ मैं आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक, अमचूर पाउडर एक चम्मच भर के, एक चम्मच धनिया पाउडर, अब इस मसाले में मैंने लाल मिर्च नहीं डाला है, तो आप समझ ही गए होंगे ये किस में जाने वाला है, ये मिर्ची के अंदर जाने वाला है।
अब ये जो मसाला हमने बनाया ना, 4-6 जो मिर्ची हैं लंबी कटी हुई, उसके अंदर ये भर दीजिए। इससे आपका मिर्ची का पकौड़ा बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। कई लोग तो ऐसे ही बस डुबो के बेसन में बना लेते हैं, पर वो मिर्ची का पकौड़ा सभी लोग नहीं खा पाते। इस तरीके से फिल करेंगे ना, तो ये पकौड़े सभी लोग खा सकेंगे। जहाँ बीजों वाला साइड होता है, डंठल का साइड, वहाँ पर मसाला ज़रूर अच्छे से डालिए, क्योंकि वहीं पर ये मिर्ची ज़्यादा तीखा होता है। घर में पकौड़े ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। कई बार सब्जी कुछ समझ ना आए, साथ में दाल बना लो और पकौड़े बना लो, मेहमान भी खुश, आप भी खुश। ये पकौड़े तो मैं पूरे बना रही हूँ एक ही मिश्रण से, लेकिन पालक का लास्ट में बनाऊंगी, और उसके लिए मुझे क्या चेंज करना होगा, क्यों इतना क्रिस्पी बना बिना कुछ डाले, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब बारी आती है इस पकौड़े के लिए क्रिस्पी कैसे बने, क्योंकि हमने तो इसमें कुछ डाला नहीं है। अब बैटर को खोल लेते हैं, बैटर को थोड़ा सा चला के देख लेते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। अब इसमें एक करछी गरम आप डाल दीजिए ऑयल, आप 2 चम्मच समझ सकते हो या एक छोटी करछी। अब इसे डालने से आपके पकौड़े जो हैं फूलेंगे भी, क्रिस्पी भी बनेंगे। तो देखा ना आपने, सिर्फ इसमें ये ऑयल डालना है जिसकी वजह से ये क्रिस्पी रहे, वो भी ऑयल गर्म होना चाहिए, और बैटर ऐसा होना चाहिए कि किसी पे भी चिपके जरूर, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। बस अब आपको क्या करना है, इसी मिश्रण में पहले आलू, प्याज जो भी है वो बनाते जाइए डिप करते हुए। हमारा मिश्रण ऐसा होना चाहिए कि कढ़ाई में जाके फैले भी नहीं, और आलू पर बेसन हम डिप कर रहे हैं तो वो उसी पर लगा रहे। ये पहचान होती है कि हमारा जो बेसन है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये छोटे छोटे से पार्ट जो थोड़े से निकल जाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, ये अच्छा साइन होता है। बिल्कुल भी मोटा बेसन हो ना, तो वो पकौड़े अंदर से बहुत ही मुलायम से बेकार बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, बेसन को ज़्यादा भारी बिल्कुल नहीं कीजिए। धीरे धीरे इसे चलाते रहिए, क्रिस्पी कीजिए और बस पकाते रहिए, गोल्डन होने तक इन्हें फ्राई कीजिए। फ्लेम की बारी आती है, तो फ्लेम के लिए मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। बहुत धुआंधार नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये पकौड़े को हम पेपर नैपकिन पर निकाल लेते हैं। अब आती है बारी कैरी की। कैरी को भी इसी तरीके से बेसन में डिप करते हुए, जितना मिश्रण उस पर लग पाया है काफ़ी है, बस उसमें कढ़ाई में डालते जाइए। ये देखिए, बहुत ही अमेजिंग लगते हैं कैरी के पकौड़े। क्या आपने कभी कैरी के पकौड़े बनाए हैं? हाँ तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना। ये लीजिए, बन गए कैरी के पकौड़े, इसे भी निकाल लेते हैं। अब बारी आती है हमने प्याज के पकौड़े बनाने, उसे आलू की तरह बनाते जाइए। इसमें फ़ायदा ये भी हो जाता है, घर में अलग अलग चॉइस हो जाती है, किसी को प्याज बहुत पसंद है, किसी को आलू बहुत पसंद है, तो आप अलग अलग बनाएं, इसी तरीके से बना लें तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। आपने देखा ना, बिल्कुल बेसन इतना परफेक्ट है कि हर चीज़ के ऊपर कोटिंग हो जा रही है और बिखर भी नहीं रहा है। अब बारी आती है मिर्ची की। मिर्ची की डंठल को इसलिए नहीं काटा जाता, डंठल से पकड़ना बहुत इजी हो जाता है। बस ये मसाला भरा हुआ है ना, उसे धीरे धीरे आप बेसन के अंदर डाल के डिप करते हुए और इसे तलते जाइए। सारे एक ही मिश्रण से आपके सारे पकौड़े बन जाएंगे। बस पालक के लिए कुछ चेंज करना होगा, क्या करना होगा वो भी मैं बताऊँगी। अब बारी आती है, ये देखिए बेसन कितना है, करीब करीब इसमें 2 करछी बेसन बचा है बस। अब इसमें डाल दीजिए पानी, कुछ और डालना ही नहीं है आपको, बस थोड़ा पानी डाल दीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी रनी होनी चाहिए। ये देखिए, बस बेसन जैसे मैं इस पत्ते के ऊपर डाल रही हूँ, तो ये पत्ता बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, और तेज़ आँच होनी चाहिए। ये देखिए, मैं पत्ते को डिप कर रही हूँ और फिर भी मैं थोड़ा सा हटा भी रही हूँ मिश्रण। मिश्रण अगर ज़्यादा होगा तो ये पालक के पकौड़े पकौड़े की तरह बनेंगे, ये चाट वाली नहीं बनेंगे। जैसे हम दही चटनी डालकर जो चाट खाते हैं ना पालक के पकौड़े की, वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस बात का अगर ध्यान रहे कि अगर आपको चाट जैसे पकौड़े चाहिए, तो इसे क्रिस्पी करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए तेज़ आँच करना है और मिश्रण को पतला करना है। अब इसे दबा दबा के प्रेस करते करते आप इसे फ्राई कीजिए, और जब आप इसे निकालेंगे, हाथ से तोड़ेंगे कुछ सेकंड रखने के बाद, तब आप खुद समझ जाएंगे ये कितने क्रिस्पी बन गए। ये हल्की हल्की जो पालक दिख रही है ना, ये दिखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्रिस्पी लगेंगे। इसी तरीके से सारे पकौड़े हम बना लेते हैं। ये पकौड़े का प्लेटर आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप यहाँ पर इसकी आवाज़ सुन रहे हैं,
आवाज सुन रहे हैं तो बस मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये लास्ट में देखिए, आपने देखा ना कितना क्रिस्पी है ये पालक का पकौड़ा। ये नॉर्मल पकौड़ा नहीं है, ये वही है जो ठेले की चाट पर मिलते हैं ना, जो ऊपर से दही चटनी डालकर देते हैं, उनके पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो कैसे हो जाते हैं क्रिस्पी? इसी तरीके से अगर हम सोडा डालते हैं या बेकिंग पाउडर डालते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो ऑयली ऑयली लगने लगते हैं। अगर हम सूजी डालते हैं या चावल का आटा डालते हैं उससे वो सॉफ्टनेस गायब हो जाती है। तो आप बेसन के ही बनाइए और उसमें बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। इसे हरी चटनी, टमेटो केचप किसी के साथ भी खाएंगे तो बस मज़े ही आ जाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।